Now we are going to study about the lecture 2, the STEM lesson 2. So here we are going to study about the what is meant by STEM, then the type of STEM, modification of STEM, and the function of STEM. So what is meant by STEM? STEM is nothing but the ascending part of axis. Then what is meant by axis? If we see the zygote, we know what is meant by zygote. After the fertilization of haploid male gamete to haploid female gamete, it will lead to the formation of zygote, and zygote undergo repeated mitotic division to form an embryo, and this embryo will have radical, plumule, epicotyl and hypocotyl and cotyledon, these parts. So here we can see this embryo which has plumule, radical, cotyledon, then epicotyl and hypocotyl. So plumule part of this cotyledon is going to produce the shoot system, shoot, and this radical part will produce the root, and plumule will produce the shoot. Shoot means the part of stem which can produce the leaf. These parts are called as shoot. So here we can see the shoot and root system which is present in the plant. Shoot is the upper part, means which is above the soil. So here we can see the stem which is an ascending part. Ascending part matlab kya ho raha hai, yahan par ye jo soil dikh rahi hai, इस सॉइल से जो ऊपर का पार्ट जा रहा है असेंडिंग, इसको बोलेंगे स्टेम। जो नीचे डिसेंडिंग गया उसको क्या बोले हम? रूट रहेगा, ठीक है। तो स्टेम को इसलिए डिफाइन करते हुए बोला गया, इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस विच डेवलप्स फ्रॉम द प्यूमल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ एन जर्मिनेटिंग सीड। जब ये जर्मिनेट होता है तब इससे ये प्रोड्यूस होगा। देन इट विल प्रोड्यूस ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, बर्ड डिफरेंट टाइप करेंगे जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, नोड्स और इंटरनोड, ये सब पार्ट आपको पता होना चाहिए। डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको कहाँ पर नोड रहेगा, कहाँ पर इंटरनोड रहेगा और बर्ड कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं वन बाय वन पार्ट। देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमको नोड। नोड ऐसा रीजन है स्टेम का कि जहां से लीफ बॉर्न हो रही है। ये देखिए यहाँ पर दिखता होगा, दिस इज द नोड फ्रॉम वेयर द लीफ इज गोइंग टू बॉर्न, and here also there is a node from where the leaf is going to born. Then the part between this node and this node is called as internode. The part between two node is called as internode. तो ये समझ में आ जाएगा। Then young stem, जब ये stem young condition में होता है तो generally ये रहेगा green color का, क्योंकि parenchymatous tissue होता है, photosynthesis कर सकता है ये, और जब ये mature होता है तब इसका color हो जाएगा brown. At maturity it become brown color, ठीक है। उसके बाद देखो जो स्टेम होता है वो हमको पता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रहेगा, क्योंकि लीफ बॉर्न होंगे स्टेम के ऊपर तो फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करता है। उसके बाद फंक्शन बोला, फंक्शन स्टेम के समझ में आएगा। देखे इससे क्या होता है, साइड में ब्रांचेस प्रोड्यूस हो रही है, ये जो स्टेम एक्सिस है साइड में ये ब्रांचेस की वजह से क्या हो रहा है, लीफ फॉर्म हो रही है, फ्रूट फॉर्म होगा, फ्लावर फॉर्म होगा, फ्लावर से फ्रूट आएगा और लीफ भी फॉर्म होगी, लीफ फ्लावर फ्रूट ब्रांचेस सो ऑन। अब देखिए ये एक्सिस है तो जो रूट ने वाटर एब्सॉर्ब किया वो कंडक्शन के लिए कौन हेल्प करता है, दिस स्टेम, मतलब वाटर और मिनरल का कंडक्शन कर रहा है, और बीइंग ग्रीन कलर का है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। कब? यंग कंडीशन में, ब्राउन होने के बाद फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, बट इस स्टेम के ऊपर जो लीफ है ग्रीन कलर के वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। उसके बाद देखिए स्टेम मॉडिफाइड होकर फूड स्टोर कर सकता है, फूड को स्टोरेज कर सकता है, सपोर्ट देगा मैकेनिकल सपोर्ट, उसके बाद प्लांट को प्रोटेक्शन देगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है। उसके बिसाइड ये क्या करता है, और एक फंक्शन करता है जिसको बोलते हैं पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब क्या होता है, ये जो स्टेम दिख रहा है हमको ये स्टेम, कुछ प्लांट में स्टेम मॉडिफाई होकर क्या होता है, राइसोम प्रोड्यूस होगा। राइसोम, ये जो राइसोम रहता है जैसा फर्न के अंदर भी दिखता है राइसोम, तो ये सॉइल के नीचे आएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, राइसोम और राइसोइड दो अलग अलग वर्ड है। राइसोम मतलब मॉडिफाइड स्टेम है और राइसोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। वहां पर ओ आई डी है, ओ आई डी का मीनिंग होता है लाइक, इसके जैसा। तो अब ये जो राइसोम है ये क्या करता है, फूड स्टोर करके इस प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए हेल्प करता है। तो ये जो राइसोम हो गया, अब ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। जैसे देखिए आपको पता है कि अभी
कौन सा पीरियड चल रहा है COVID-19 का, तो अब लॉकडाउन है तो हम क्या करेंगे, हमारे घर के अंदर जो फूड है बाहर नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए वो काम को आ रहा है। और इमेजिन हमारे घर पे बहुत सारा फूड है, 2 साल चले इतना, तो वो फूड किसका काम कर रहा है, इट विल मेक अस टू सर्वाइव ईयर्स टू ईयर्स। तो वैसे प्लांट के अंदर जो पार्ट फूड स्टोर करके उस प्लांट को ईयर्स टू ईयर्स सर्वाइव करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, जो स्टेम कर सकता है। ठीक है, समझ में आया ये फंक्शन? देखिए उसके बाद मैं स्टेम के अंदर के पार्ट बोलूंगा और क्या क्या पार्ट है। वैसे तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स हो गए, बट उसके भी साइड देखिए, अभी मैंने बोला था कि स्टेम के अंदर बड प्रोड्यूस होता है, तो स्टेम के अंदर जो बड है, बड जनरली कैसा रहता है, इमैच्योर रहता है, ये दिस इज इमैच्योर और ये रहेगा कंडेंस्ड। फ्लावर की डेफिनेशन बोलते बोला था देखिए मैंने आपको कि फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड कंडेंस शूट डेवलपिंग फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कंडेंस होकर ये पार्ट तैयार होते हैं। कंडेंसेशन का मीनिंग पता है देखो आपको, कंडेंस होकर क्या होगा, इससे प्रोड्यूस होगा आगे के पार्ट, या इसको हम एम्ब्रियोनिक शूट भी बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक शूट। ठीक है, तो ये जो बड होता है, ये बड होता है मेनली थ्री टाइप रहेंगे, जिनके और सब टाइप भी है। तो ये थ्री टाइप्स अगर बड के अंदर देख रहे हैं तो ये अलग अलग टाइप दिखेंगे आपको, जैसे एक रहता है वेजिटेटिव और एक रहेगा फ्लोरल बर्ड और एक रहेगा मॉडिफाइड बर्ड। तो ये तीनों पार्ट, वेजिटेटिव नंबर 2 इज फ्लोरल बर्ड और नंबर 3 इज मॉडिफाइड टाइप का बर्ड। ये तीनों बर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, किसके अंदर रहता है, ये स्टेम से। तो अब देखिए, अब ये जो वेजिटेटिव बर्ड है, ये बेस्ड ऑन पोजिशन देखे, ये जब ऊपर रहता है तब इसको क्या बोलते हैं, अपाइकल बर्ड। फिर थोड़ा नीचे अगर आएगा लैटरल साइड को तो उसको बोलते हैं एक्सली बर्ड। तो ये पता होना चाहिए, इसके अंदर भी टाइप है अपाइकल बर्ड। अपाइकल बर्ड को हम क्या बोलते हैं, ये एंड को है टर्मिनल टोकाचा। स्टेम अगर दिखा रहे थे हम, ये इधर रहता है अपाइकल बर्ड। ठीक है, या उसको टर्मिनल बर्ड बोलेंगे। उसके बाद देखिए लैटरल बर्ड, लैटरल मतलब क्या, ये हो गया मेडियल, इसके साइड को जो आएंगे, साइड को मतलब क्या हो गया लैटरल में, अवे फ्रॉम मिडल मतलब हो गया लैटरल। तो लैटरल बर्ड को ही क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, बर्ड एक्सिलरी बर्ड। उसके बाद थर्ड अगर देखेंगे आप, तो इसके अंदर रह सकते हैं एडवेंटिशियस बर्ड। ये तीन टाइप के जो बर्ड है वो रहेंगे वेजिटेटिव। उसके बाद देखिए फ्लोरल बर्ड, नाम से समझ में आता है ये बर्ड का वो टाइप है जहां से फ्लावर डेवलप होगा, नाम से समझ में आता है, दिस इज द पार्ट फ्रॉम विच द फ्लावर डेवलप, इसको बोलते हैं फ्लोरल बर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड जो बर्ड है वो है मॉडिफाइड बर्ड, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव मॉडिफाइड बर्ड। अब इसके अंदर भी अगर देखें तो बेस्ड ऑन जब वेजिटेटिव पार्ट का मॉडिफिकेशन होकर ऐसे बर्ड तैयार हुए, तो बर्ड रहेंगे 3 डिफरेंट टाइप के, जिसके अंदर आएगा टेंड्रिल, थॉर्न और बल्ब। टेंड्रिल ये भी नाजुक रहते, देखिए साइड को आता है ऐसे वायर लाइक, टेंड्रिल ले सकते हैं। थॉर्न मतलब ये स्पाइन के जैसा होता, काटा कड़क, मतलब कोई एनिमल इसके नजदीक ना है उसको लगेगा, उसके लिए रहता है थॉर्न। और उसके बाद रहता है बल्ब। अब ये क्या आगे और बोलने वाला हूं मैं, इसलिए यहां पर पूरा नहीं बोलूंगा। ओनियन और गार्लिक के अंदर दिखता ना हमको बल्ब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट, अब बोलूंगा यहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम मॉडिफाई होकर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ स्टेम। पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आगे इसके स्लाइड भी दिखाऊंगा मैं, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, पर पहले से लास्ट तक देखने का पार्ट्स ऑफ स्टेम। और जब पढ़ाई करने को बैठे थरोली करना है, बीच में स्कीप नहीं करना है वीडियो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टेम। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ अगर हम स्टेम देखेंगे तो मेनली इसके अंदर 3 टाइप रहता है,
बेस्ड ऑन स्टेम की लोकेशन कहां पर है, कहां पर वो हमको दिख रहा है। तो एक रहता है एरियल स्टेम जो सॉइल के ऊपर है, उसको बोलते हैं एरियल स्टेम। जो स्टेम पूरी तरह से सॉइल के नीचे भी नहीं, पूरी तरह से सॉइल के ऊपर भी नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम, सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। और जो सॉइल के नीचे है उसको बोलते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये मेनली थ्री टाइप के स्टेम रहेंगे। अब उसके अंदर वन बाय वन स्टेम अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी सब कैटेगरी है। जैसे अगर हम पहले एरियल स्टेम देख रहे हैं तो इसके अंदर मेनली टू टाइप आते हैं, टू या थ्री टाइप बोल देंगे हम, तो बोलते हैं थ्री टाइप बोलना आप लोग यहाँ पर एक बोलेंगे रेडिस्ट, एक रहेगा वीक और एक रहेगा इरेक्ट। तो ये जो एरियल स्टेम है मीन्स द स्टेम विच इज अबव द सॉइल, इसको क्या बोलेंगे हम, एरियल स्टेम। तो ये रहेंगे थ्री टाइप के, जिसके अंदर आएगा एरियल रेडी स्टेम। अब जो रेडी स्टेम रहेगा, देखिए रेडी स्टेम किसको बोलते हैं हम, इस एरियल स्टेम में मेनली थ्री टाइप के स्टेम आने वाले, कौन से, रेड्यूस्ड, इरेक्ट और वीक। तो रेड्यूस्ड स्टेम किसको बोलते हैं, जो स्मॉल रहता है, जिसकी साइज कम होती है, मतलब उसको बोलेंगे हम रेड्यूस्ड। और दिखने को ये दिखेगा हमको डिस्क लाइक, और उसके अंदर नोड और इंटर नोड हमको क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं रेड्यूस्ड स्टेम। किसके अंदर दिखेगा ये, कैरेट टर्निप में दिखता है, दीज आर स्मॉल रेड्यूस्ड डिस्क लाइक। और क्या बोला मैं आपको, इसके अंदर नोड कौन सा है, इंटर नोड कौन सा है, समझ में नहीं आता है। नोड्स एंड इंटर नोड्स आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड, आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। ये रहेगा रेडी स्टेम। एग्जाम्पल देखा क्या रहता है इसके अंदर, कैरेट, टर्निप, इसके अंदर हमको दिखा देगा इस टाइप का स्टेम, कैरेट, रेडिश और टर्निक, ये तीन एग्जांपल रहेंगे। उसके बाद देखिए नंबर टू मैंने टाइप कौन सा बोला था आपको, इरेक्ट। अब इरेक्ट का मीनिंग समझ में आता है, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, जो सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहता और अपराइट रहता, उसको बोलेंगे हम इरेक्ट। सो दिस इज स्ट्रेट एंड अपराइट, स्ट्रेट एंड अपराइट। ऐसा अगर देखे तो हमको किसके अंदर दिखेगा, ये दिखता है हमको व्हीट में, मेस में और मैंगो में, इस टाइप का स्टेम। और थर्ड जो टाइप है वो टाइप रहेगी वीक एरियल स्टेम, वीक एरियल स्टेम। ये जो वीक एरियल स्टेम है नाम से समझ में आता है, देखो वीक मतलब इतना वीक है कि इसको सपोर्ट लगता है, ये रहता है थिन और सॉफ्ट, तो इसको बोलेंगे हम वीक स्टेम, विच इज थिन सॉफ्ट एंड जनरली इट नीड द सपोर्ट, इसको सपोर्ट लगेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वीक एरियल स्टेम। उसके बाद देखिए नंबर टू है एरियल स्टेम। जो एरियल स्टेम है उसके अंदर और दो फर्दर कैटेगरीज है, कौन कौन से, इसके अंदर अगर दो कैटेगरी अगर देखें तो एक रहता है इसके अंदर भी रहेगा, एक वीक स्टेम रहता है जिसको बोलते हैं अपराइट वीक स्टेम, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट वीक स्टेम। तो दो टाइप इसके अंदर भी है, एक रहेगा अपराइट वीक स्टेम, अपराइट वीक स्टेम, अपराइट वीक स्टेम, और दूसरा रहता है इसके अंदर प्रोस्टेट वीक स्टेम, प्रोस्टेट वीक स्टेम, ठीक है, ये दो टाइप। तो अब जो हम यहां पर देख रहे हैं पहला पार्ट जहां पे अपराइट वीक टाइप का स्टेम आता है, तो इसके अंदर दो टाइप रहेंगे, एक रहता है ट्विनर्स और दूसरा रहता है क्लाइंबर्स। ट्विनर्स किसको बोलते हैं, ये पतला रहता है, किसके अंदर देखेंगे हमको, वो अमरवेल पता है, कस्कुटा येलो रहता है वायरी, जो दूसरे प्लांट पे गिरे तो वहां का क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं दूसरे प्लांट का, तो वो होते हैं ट्विनर्स। तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, कस्कुटा, कस्कुटा पता होगा, या तो कुछ बीन के प्लांट, ये एक आता इसके अंदर। और दूसरा अगर देखा तो इसके अंदर आएंगे क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मतलब समझ में आता हमको वेली, ये किसके अंदर दिखता है हमको, बोगनवेलिया में, बोगनवेलिया उसके अंदर दिखेगा हमको क्लाइंबर। और जो पोस्टेट वीक स्टेम होता है उसके अंदर मेनली हमको फोर टाइप के स्टेम देखना पड़ता है, रनर, ऑफसेट, स्टोलन और सकर, ये चारों किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर,
ये चार होने वाले, तो यहाँ पर स्पेस कम गिरेगा इसलिए मैं इसको रब करता हूँ और वन बाय वन बोलता हूँ आपको, तो उससे आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोला था मैं, नंबर टू पार्ट सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में हम मेनली फोर टाइप के स्टेम देख रहे थे, कौन कौन से, सबसे पहले देख रहे थे हम रनर। रनर देखो हमको ये किसके अंदर दिखता है, हमको ग्रास के अंदर दिखेगा। तो ये जनरली होते कैसे, ये होते इलांगेटेड, प्रोस्टेड और लॉन्जिट्यूडनल, और दिखेगी किसके अंदर हमको, ग्रास के अंदर। दीस आर इलांगेटेड लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल मतलब लंबे दिखते ये लॉन्जिट्यूडनल। और उसके बाद क्या बोला था मैं आपको, दिखते हो प्रोस्टेट, नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पर प्रोस्टेट के अंदर आएंगे। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, ग्रास एंड ऑक्सलिस। वैसे तो एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आगे और दिखता है तो समझ में आएगा। नंबर टू इसके अंदर आएगा स्टोलन। स्टोलन कैसे दिखते है, ये ऐसे, अगर ये सॉइल है तो ये आ गया स्टेप, ये नीचे गया, यहां से ये ऊपर आएगा, ये हो गया सॉइल और ये हो गया ऊपर की एयर। तो सॉइल में यहां पर आ गया रूट, रूट और ये था स्टेम जो व्हाइट पार्ट से दिखा रहा हूं मैं। अब ये सॉइल से ऊपर आएगा मतलब सॉइल के ऊपर, फिर वापस सॉइल के अंदर जाएगा ये इस तरह से, फिर वापस ऊपर आया, फिर नीचे गया। तो इस तरीके की जो मूवमेंट दिख रही है हमको, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ जैसा दिखता है ना हमको ट्रांसवर्स वेव में, तो उस टाइप के दिखेंगे हमको ये सब एरियल स्टेम। पर जब ये सॉइल के ऊपर आया और वापस नीचे गया, तब यहां से क्या होता है, इस तरीके के एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको बोलते हैं स्पर और बड, स्पर और बड, और इसी से क्या होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आते हैं स्टोलन में, और स्टोलन किस में दिखता है हमको, कोलोकेशिया, जैस्मिन, उसके बाद रूबस और फ्राइजेरिया, इसके अंदर हमको दिखेगा स्टोलन। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में भी दिखता है। उसके बाद नंबर थर्ड पार्ट जो रहेगा वो रहता है ऑफसेट। ऑफसेट हमने देखा था किसके अंदर, इकोनिया और पिस्टिया, इसके अंदर हमने ऑफसेट देखे वाला है। कहां पर दिख रहा था ये हमको, वाटर के अंदर, टेरा बंगाल पता ना, इकोनिया, तो उसके अंदर रहेगा इकोनिया और पिस्टिया, ये दोनों एग्जांपल याद रखिए इसमें, पिस्टिया इकोनिया। उसके बाद फोर्थ जो रहेगा इसके अंदर वो आता है सकर। सकर कैसे होते ये हमको पता, देखिए ये अगर सॉइल है तो सॉइल के अंदर ये है स्टेम, मतलब पहले ये नीचे पार्ट आ गया स्टेम का ही, और यहां से क्या होगा, ये ऐसा वर्टिकली अपवर्ड ब्रांच तैयार होती है इस तरीके की, वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड। और ऐसे टाइप का सकर हमको किस में दिखता है, क्रिसैंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल, ये याद रखने का। ठीक है, अब मैंने वन बाय वन बोला है, पर आपको ये पूरा कंबाइन करके आपको इसका एक पूरा बड़ा चार्ट बनाना है। किसका चार्ट, बड़ा चार्ट बनाने का, एरियल के अंदर कौन से टाइप आए और एग्जाम्पल, सब एरियल में कौन से टाइप है और उसके एग्जाम्पल, और उसके बाद अंडरग्राउंड में मैंने कौन से टाइप के स्टेम बोले और उनके एग्जाम्पल, ये तीनों आपको एक चार्ट पर बिठाना है। यहाँ पर वो ऐड नहीं हो सकता, मतलब स्लाइड कम गिरेगी, छोटी साइज गिरेगी, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, तो आपको वो तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो थर्ड टाइप का स्टेम है वो रहेगा अंडरग्राउंड, मतलब जो सॉइल के नीचे, उसको हम बोल रहे हैं अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड टाइप ऑफ स्टेम। इसके अंदर देखेंगे तो मेनली कौन कौन से टाइप के आते हैं, राइजोम, उसके बाद रहेगा ट्यूबर, उसके बाद रहेगा कॉर्न और उसके बाद रहेगा बल्ब, मेनली ये फोर टाइप, राइजोम, राइजोम। अब देखो बनाना जो था वो उधर भी आता है कुछ, उसके एग्जाम्पल यहां पर भी आता है, बनाना दोनों साइड को आ रहा है, राइजोम में भी, और उधर अगर पीछे देखे किसमें, सकर में, सकर में बोला मैं, क्रिसैंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल, तो वैसे तो इसके अंदर क्या आएंगे एग्जाम्पल, राइजोम में जिंजर, टर्मरिक, टर्मरिक में होता है, और फॉर के अंदर राइजोम। राइजोम कैसे दिखते थे आगे मैं और डायग्राम में वहां पर दिखा दूंगा आपको। राइजोम याद रखने का है, उसके अंदर दो टाइप रहते, देखिए इसके अंदर भी एक रहता है रूट स्टॉक और दूसरा रहता है स्ट्रैगलिंग। रूट स्टॉक अगर देखे तो वो फर्न के अंदर दिखता है हमको ड्रायोप्टेरिस में, और स्ट्रैगलिंग अगर देखे तो ये दिखेगा हमको जिंजर और कैना, ऐसे दोनों पार्ट में। ठीक है, नंबर टू रहेगा ट्यूबर। ट्यूबर मतलब ये कैसे टाइप के स्टेम है, जो सोलन है, तो ये किसके अंदर दिखता है हमको, पोटैटो के अंदर, हेलियंथस के अंदर, उनके अंदर दिखेंगे। थर्ड जो रहता है वो रहता है कॉर्न।
कॉर्म हमको दिखेगा कोलोकेशियम में, पर भी बोलते देखो इसको, आगे डायग्राम है दिखाऊंगा तो वहां पे समझना था। और फोर्थ जो आएगा इसके अंदर बल्ब, बल्ब के अंदर ओनियन और गार्लिक ये दोनों पार्ट आते हैं, ओनियन एंड गार्लिक ये आते हैं बल्ब में, कैसे होंगे तो वो आगे बता दो ठीक है। ये तीनों समझ में आ गए, एग्जाम्पल याद रखना यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल बोले थे। अब यहां पर देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये मॉडिफिकेशन बोले वाला है। वैसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम मेनली कौन कौन से देखते हैं, फाइलोक्लैड, थॉर्न, क्लैडोड, स्टेम टेंडिल और बल्बिल। तो यहां पर देखिए फॉर फूड स्टोरेज कौन से रहेंगे, स्टेम टेंडिल कौन से है, थॉर्न कौन से है, फाइलोक्लैड कौन सा है, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, ये भी देखना है। तो फूड स्टोरेज के लिए दिख रहा है देखो हमको यहाँ पर ये पोटैटो जो दिख रहा है वो फूड स्टोर कर सकता है। स्टेम टेंड्रिल, टेंड्रिल कौन से होते हैं ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, दीज आर टेंड्रिल्स। टेंड्रिल जो होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए रहेंगे, नाजुक रहते हैं ये। इसलिए क्या होता है ये जो प्लांट ग्रो होते हैं ये, इनको अगर अपन सपोज कहीं पर एक लकड़ी लगा दी या घर है उसको, ये ऐसा कॉइल होते होते ऊपर जाता है टेलीफोन वायर के जैसे, पहले टेलीफोन का वायर आता था ना कॉइल, वैसे ये रहेंगे टेंडल। ये दिख रहा है देखिए टेंडल्स, ये नंबर टू के डायग्राम में दिख रहा है, तो ये रहेगा टेंडल। उसके बाद देखिए थॉर्न, थॉर्न दिखाई दे रहा हमको यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा इसको बोलते हैं थॉर्न। ये ऐसा स्पाइन होता है कोई एनिमल इन प्लांट को अफेक्ट ना करे, इसलिए ये प्लांट अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके थॉर्न तैयार कर रहे हैं। ये अगर किसी के ईयर में गया थॉर्न तो वो हार्मफुल रहता है। ये किसके अंदर दिखता है हमको, बोगनवेलिया में दिखता है, दुरांतो में दिखता है और क्रासिया इस प्लांट में दिखता है ठीक है। और टेंडिल जो देखते हैं हम, टेंडिल किसके अंदर दिखता है हमको, ये टेंडिल जो रहते हैं यहाँ पर दिख रहा है देखो हमको, ये टर्निप जो उसके अंदर दिख रहा है। उसके बाद है फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड दिखेगा हमको इसके अंदर, ये जो जीरोफाइटिक प्लांट दिख रहे हैं इसके अंदर देखो फाइलोक्लैड, इसके ऊपर स्पाइन भी आवल है, तो ये रहेगा फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड किसके अंदर दिखता है हमको, जीरोफाइटिक प्लांट में, जैसे ओपुनशिया है, कैजुरिनिया है, मोहनबेकिया है, ये जो प्लांट है उसके अंदर हमको दिखता है फाइलोक्लैड। उसके बाद देखिए स्टोलन, स्टोलन मैंने बोला था आपको वायर लाइक एक्स्ट्रा एक्सरे वायर लाइक ब्रांचेस, नीचे ऊपर ऐसे जाएंगे और बीच में से क्या तैयार होगा उनके स्पर। उसके बाद है ऑफसेट, ऑफसेट कहाँ पर ये समझ में आ रहा है देखो, ये जो वाटर के अंदर दिखाई दे रहा हमको, ये फोर फाइव, ये समझ में आ रहा, थ्री फोर फाइव यहाँ पर ये था, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स नंबर का ऑफसेट, ये सिक्स नंबर का ऑफसेट और ये सेवन नंबर का रहेगा सकर। सकर का एग्जाम्पल बोला मैंने आपको, बनाना, क्रिसैंथेमम और पाइनएप्पल, एग्जाम्पल सभी के याद रखने के, एक बार क्विक रिविजन करा दूंगा मैं लास्ट को। उसके बाद और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो मैंने बोला, तो फूड स्टोर करके क्या होता है, कुछ स्टेम अंडरग्राउंड रहते हैं, जैसे पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, पर जिंजर किस में आ रहा है, राइसोम में, जामिकंड, कोलोकाशिया, तो ये पता होना चाहिए। ये देखिए पोटैटो ट्यूबर दिख रहा है, ट्यूबर मतलब सोलन पार्ट, ये है जिंजर का राइसोम, जिंजर के ऊपर हमको दिखेंगे देखिए नोड, सेंटर नोड, ये है टर्मरिक जो राइसोम में आएगा। दे ऑल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, क्या होता है ये मैंने बोला आपको। उसके बाद देखिए जामिकंड का कॉर्म दिख रहा है और साइड में कोलोकेशिया भी दिख रहा है जो कॉर्म में आता है। उसके बाद देखिए यहां पर दिख रहा है हमको स्टेम टेंड्रिल, टेंड्रिल किसके अंदर दिख रहा है, ये कुकुम्बर के अंदर, पंपकिन के अंदर, ये रहते हैं टेंड्रिल। ये कैसे रहते हैं, दीज आर स्पाइरल कॉइल स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और एक्सरी बर्ड के मॉडिफिकेशन ये ठीक है। These are spiral coiled structure developed from the axillary buds. They help the plant to climb. Example किसके अंदर दिखेगा, cucumber, pumpkin, watermelon and grapevine. Example सभी यहाँ पर दिख रहे देखिए, ये है tendril. This is tendril. ठीक है, यहाँ पर भी दिखा, ये यहाँ पर दिख रहा है देखिए finger पे, this is tendril. और ये है grapevine. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए thorn. थॉर्न पता है हमको, ये दिख रहा है देखिए, अभी बोला था मैं थॉर्न क्या होते हैं, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, दीज आर वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द
एक्चुअली बर्ड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ग्रेसिंग एनिमल। एग्जाम्पल क्या रहेगा? सिट्रस और बोगनविलिया। ये देखो ये बोगनविलिया दिख रहा है, ये इसके फ्लावर है, पर्पल पिंक कलर का दिखते हैं, पेपर ही होते देखिए, और इसके अंदर और एक कलर आता है, वो लेमन का कलर होता है, लेमन को कट करने के बाद अंदर का पेंट येलो, वैसे कलर के भी फ्लावर आते हैं इस पर। उसके बाद देखिए फाइलोक्लाड। फाइलोक्लाड क्या होता है कि ये दिखने को हमको ग्रीन फ्लैट राउंडेड सकुलेंट दिखते हैं। सकुलेंट मतलब जीरो पार्टिक में रहेंगे, ग्रीन फ्लैटेड फ्लेशी सिलेंड्रिकल स्टेम कंटेनिंग द क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये दिख रहा है इनकी लीफ डार्क ग्रीन कलर के थे। फाउंड इन सम प्लांट ऑफ अरिड रीजन, अरिड मतलब जहां पर ड्राई एरिया जीरो फाइटिक कंडीशन, वहां पर हमको ये प्लांट दिखता है। ये दिख रहा है देखिए इफोर्बिया, यूपुंशिया, मोहेनबेका और एक प्लांट है ओपुंशिया, फ्लैटन स्टेम रहेगा, फ्लैटन मतलब चपटा, यहाँ पर दिख रहा है देखिए चपटा, वो अपना बैडमिंटन की बैट रहती वैसा दिख रहा है। और इफोर्बिया ये दिख रहा है हमको लंबे। उसके बाद देखिए स्टोलन कैसा रहता, अभी मैंने आपको दिखाया था ये इस तरीके का, यहाँ पर तो दिख रहा है ये हमको रनर, रनर अलग रहता है, स्टोलन अलग रहता है, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो रहा है, ये ऐसा नीचे जाके फिर वापस ऐसा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, अगर ये सॉइल है तो ये फिट इज सॉइल, ठीक है। और ये जो रहेगा इसको स्पर या बड बोलेंगे, जहां से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट। स्टोलन इज द स्लेंडर लैटरल ब्रांचेस विच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली, मतलब सॉइल के ऊपर, उसको बोले एरियली, सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड, प्लांट लाइक मिंट और जैस्मिन, दोनों में हमको ये दिखेगा, ठीक है, कौन स्टोलन। उसके बाद ऑफसेट, जो ऑफसेट रहेगा वो किसके अंदर दिखेगा तो वो पता होना चाहिए, पिस्टिया और इकोनिया में दिखते ऑफसेट, ये दिखाई दे रहे हमको। लैमिना मतलब हमको पता है लीफ ब्लेड, सोलन रहेंगे, पेटियोल पता हमको क्या रहता है, और ये दिख रहे उसके रूट पॉकेट, क्योंकि जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होता है, एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकोनिया, और इनके लीफ जो दिखेंगे वो हमको रोजेट ऑफ लीफ दिखता है। रोजेट मतलब क्या होता है, रोज के जैसे पेटल होता है ना, ये वैसा दिखता है, उसको बोलते हैं रोजेट। रोज कैसा दिखता है हमको, पेटल उसके निकलने के बाद वैसे टाइप का दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ टफ रूट। टफ मतलब बहुत सारे लगे वाले, वो आप देखते हैं कभी सीरियल में, वो जो जज रहते वो ऐसे पहने वाले रहते व्हाइट कलर का, वो टफ वैसा। तो एक्वाटिक प्लांट लाइक पिस्टिया और इकोनिया, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहे हैं, ठीक। उसके बाद है सकर, दीज आर लैटरल ब्रांचेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन। अब देखिए ये देखो ये बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन था, यहां से ये वर्टिकली डाउन बढ़ा रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, जहां पे हमको एडवेंटिशियस रूट्स सकर दिखाई दे रहा है और टैप रूट दिखाई दे रहा है, ये क्रिसैंथेमम में दिखेंगे। एग्जाम्पल बोला था मैंने बनाना पाइनएप्पल और क्रिसैंथेमम, तो कम्स आउट ऑब्लिकली मतलब वर्टिकली अपवर्ड, गिविंग राइज टू अ लीफी शूट। एग्जाम्पल पक्के याद रखने का, सभी के एग्जाम्पल आपको याद ही हो जाने चाहिए, एग्जाम्पल कोई भी नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, ये दिख रहा है अंडरग्राउंड स्टेम मतलब यहाँ का ये कौन सा है, दिस इज रनर, ये रनर है, ये इस तरीके का ग्रास में दिखता है ना हमको ऐसा, हम खींचे तो ये सब ऊपर आते, देखिए दे आर स्प्रेड टू न्यू नीचे, नीचे का मीनिंग होता है लेवल, देन ओल्डर पार्ट डाई, न्यू पार्ट इसका फॉर्म होगा। तो ये दिखता है रनर, किसके अंदर दिखता है हमको, ये ग्रास के अंदर और ऑक्सलिस के अंदर,